हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 का 1.3 के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, इसमें क्या है पूछा, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है। अब फर्स्ट वाला है 578 इंटू 161। अब प्रोडक्ट में भी हम देखते हैं एस्टिमेट्स कैसे करते हैं। अब 578 का राउंड ऑफ फिगर 100 में होगा, नियरेस्ट टू 100 होगा, तो नियरेस्ट 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, सो इसमें क्या लिखेंगे, 600। ओके, 161 है, 161, 1 के बाद क्या आता है, 6 है, सो राउंड ऑफ क्या होगा 161 का, 200 होगा, 200। और मल्टीप्लिकेशन करो। अब दो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये 0 0 हो गया, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो पहले क्या करने का, नीचे का 2 0 लिख दो, ऊपर का 2 0 लिख दो। ओके, ये 4 0 तो आ गया। अब 6 2 जा क्या है, 12, सो ये हमारा क्या लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लिख लेंगे, आपने एस्टिमेट किया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, ये आ गया, सो इजीली हमने देख लिया है। अभी ये मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो हमें मिस्टेक्स भी होंगे, प्लस इसके भी प्रोडक्ट ये फाइंड करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो उसके आसपास एस्टिमेट हमारा इतना ही होगा। ओके, अब सेकंड वाले में जाते हैं। अब सेकंड का क्वेश्चन क्या है, 5281 इंटू 3491, ये बी वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला। अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे, एस्टिमेटेड करना है। अब थाउजेंड्स पे जाते हैं तो 5 के बाद क्या होता है, क्या आता है, 5 2 2 है, तो क्या लिखेंगे, द 5000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ये 34 है, 34 का क्या, ये 4 है, सो क्या अमाउंट डालेंगे हम इसमें, 3500, 4 का भी 9 बड़ा होता है, 3500 कर देंगे प्रोडक्ट। ओके, डबल ज़ीरो कर दिया यहाँ से, और यहाँ से 3 0 कर दिया। ओके, ये 1 2 3 4 5 0 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 35 का मल्टीप्लिकेशन करो, 35 5 ज़ा, ये 25, 2 है, 15 है, 17 1 75, इतना इजीली हमने निकाल दिया है, वो है हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ओके, ये मैंने शॉर्ट पे दिखा दिया है आप लोगों को, इसमें इतना ही लिखने का, 5281 के राउंड ऑफ 5000, 3491 के राउंड ऑफ 3500, और उसके एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इतना आ गया है। ओके, आप लोग कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं 0 0 0 डालने में, तो सिर्फ ये देखो 1 2 3 4 5, तो 50 एस इट इज डाउन लिखो, 35 × 5 कर दो, आपका आंसर आ गया। ओके, सो ये इजी है, कोई चैप्टर हार्ड नहीं होता है, लेकिन हम उसे अच्छे से समझेंगे तभी हमें वो इजी लगेंगे, और डेली आप लोग मैथ्स प्रैक्टिस करो तो आपको 100 to 100 मार्क्स लेके आ सकता है, वो गारंटी मेरी है। बट यू शुड डू द सम्स प्रैक्टिस डेली, सेट हाफ एन आवर 1 आवर, तो हम बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से ये सम सब आ जाएंगे, एक एक सम्स आप लोग 5 5 टाइम्स 6 6 टाइम्स करते ही जाओ। ओके, अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड वाला सी में 1291 इंटू क्या है, 592 है। ओके, अभी इसमें भी है, थाउजेंड्स 100 पे जाता तो ये 9 आता है, सो इसमें क्या आएगा, 300 आता है, 12 का राउंड ऑफ नंबर 1300 इंटू मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ 9 आता है तो 600 आएगा, 600 करो, सो पहले कितना जीरो काउंट करते, 1 2 3 4, तो मैंने 4 0 लिख दिया, वेरी इजीली लिख दिया। अब 6 3 18, 1 6 1 6 7, अपना एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया है। ओके, राउंड ऑफ नंबर 1291 का राउंड ऑफ 1300 आता है, 592 का राउंड ऑफ क्या है, 600 आता है, और उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये होता है। ओके, अब ये एक्सरसाइज का, ये चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उस पे है क्वेश्चन 9250 इंटू, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 29। ओके,
अब इसके राउंड ऑफ लेना है 9250 का राउंड ऑफ नंबर लेते हैं, राउंड ऑफ टू एंड 29 का राउंड ऑफ टू। अब ये तो टेंस में आ गया 29, सो इसमें तो मैंने लिख दिया 30। अब ये 9250 है, 1000 पे है, 9000 भी ले सकते हैं, 10000 भी ले सकते हैं, मेरे को मल्टीप्लिकेशन इजी करना है, मैंने 10000 ले लिया है। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 लिख दिया। ओके, 50 आ गया, 3 1 3, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया। ओके, देखो स्टूडेंट्स, हमने ये एस्टिमेशन, ये सम्स, डिफरेंस, प्रोडक्ट सब करके देख लिया, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। प्लीज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए, अब आप वीडियो पॉज करके लिखते जाइए, समझिए, एक दो बार वीडियो सुनते जाओ तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, सबको, और नेबर्स, रिलेटिव्स जो भी है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर एक वीडियोस में दिखाई भी देंगे, नोटिफिकेशन आएगा, और प्रेस बेल आइकन कीजिए, नए नए वीडियोस आते जाएंगे, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।